संख्या घटती हुई, संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, थोड़ा ही शेयर कर लीजिए सबको, सबको इनवाइट कर लीजिए, संख्या बहुत कम है। ग्रेट गुरुदेव, लव यू सर, लव यू। गणेश मौर्या वेलकम, सुनील कुमार वेलकम, अखिलेश कुमार वेलकम, संदीप जी चेयरमैन साहब वेलकम, राम प्रकाश मौर्या चेयरमैन साहब गुड आई एम सी वेलकम, सर्वेश त्रिपाठी वेलकम सर, पाल जी चेयरमैन साहब आर जी पाल वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुड आई एम सी, सुखदेव जी गुड आई एम सी चेयरमैन साहब, संजय कुमार गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, सुबह सिंह गुड आई एम सी सर, सोनिया शर्मा गुड आई एम सी, घनश्याम जी गुड आई एम सी, अमित जी चेयरमैन साहब गुड आई एम सी, यादव गुड आई एम सी, पाल जी वेलकम गुरुदेव, गुड आई एम सी, विजय मजोका चेयरमैन साहब कैसे हैं आप, राकेश कंसल वेलकम वेलकम, संख्या बढ़ाइए साथियों, लव यू कुलदीप जी, राम प्रकाश मौर्या क्या बात है वेरी गुड, अमित यादव थैंक यू, दिगंबर साहू रंजीत कुमार वेलकम वेलकम, चेयरमैन साहब पाल जी, विक्रम सिंह भाटी वेलकम, पी एल जी करवी नरेश गुड आई एम सी, गणेश मौर्या गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, अजय पूनिया गुड आई एम सी सर, अमित जी गुड आई एम सी, अमित जी, विनोद सिंगा गुड आई एम सी, सिंगला जी गुड आई एम सी, सर्वेश त्रिपाठी गुड आई एम सी, बलबीर सिंह गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं थैंक यू। साथियों बहुत सारी बातें करनी है आपसे आज, संख्या बढ़ा, गुरमेल जी गुरमेज जी, विक्रम सिंह भाटी वेलकम 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 वेलकम, अमित यादव थैंक यू जी, नई गाड़ी की शुभकामनाएं दे रहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुकेश कुमार शर्मा गुड आई एम सी, सुनील कुमार गुड आई एम सी, नई कार के लिए बधाइयां धन्यवाद थैंक यू, तो मेरे सभी एसोसिएट दिगंबर जी गुड आई एम सी सर, गुड आई एम सी, खुशियां खुशियां, राजू कुमार गुड आई एम सी, शेयर कर दीजिए प्लीज, संख्या बहुत कम है अभी, गुरमेत सिद्धू जी गुड आई एम सी सर, गुड आई एम सी सिद्धू साहब, दीपक रंगीला गुड आई एम सी रंगीला साहब, कुशवा रवि गुड आई एम सी, कुशवा रवि गुड आई एम सी सर, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, सोनू वर्मा चेयरमैन साहब गुड आई एम सी सर, गुड आई एम सी सोनू जी, सरवन कुमार गुड आई एम सी, लव यू सर, लव यू सोनू जी, पाल जी हैप्पी 26 जनवरी यार लीडर गुड, किल्लू जी वेलकम है आपका गुड आई एम सी, देव सैनी गुड आई एम सी, देव जी सैनी साहब, गुरमन नैन गुड आई एम सी, एल के राज गुड आई एम सी, परवन सैनी गुड आई एम सी, लव यू सर, कन्हैया लाल गुड आई एम सी, गुड आई एम सी श्योपुर से, मुकेश कुमार शर्मा गुड आई एम सी, थैंक यू सर थैंक यू, शुभकामनाएं दे रहे हैं मुकेश जी वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम, संख्या बढ़ाइए सर ताकि बात, कुलदीप गुड आई एम सी, कुलदीप जी मास्टर गुड आई एम सी, मोहिनी सुरेंद्र यादव बधाइयां सर जी न्यू कार के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, अनुज चौरान गुड आई एम सी, सुखदेव सिंह मैंने सुना सर आपने न्यू क्रेटा गाड़ी ली, आपने दिलवाई है गुड, मोहिनी सुरेंद्र यादव कन्हैया लाल मैं कन्हैया गुड आई एम सी एम सी से जी सर, पहचान राम शर्मा श्योमपाल गुड आई एम सी, 63 पवन कुमार गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, देव सैनी अनूप गुड आई एम सी, देव सैनी गुड आई एम सी सर दिल से, बसंत जी
बडवानी गुड आईएमसी, चंद्र मोहन चेयरमैन साहब गुड आईएमसी पुत्र, कुलदीप सिंह गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी कुलदीप जी, रविंदर गुड आईएमसी, मनोज कुमार रविंदर चेयरमैन साहब गुड आईएमसी, स्वामी सुरेंद्र यादव जैन सर, रोशन सैनी गुड आईएमसी। 75 हो गए, 100 पहुंचा दीजिए, 100 पहुंचाइए, बात शुरू करते हैं। करनैल सिंह गुड आईएमसी, रमेश रोशन सैनी, पूरन मल सैनी गुड आईएमसी, टीम एनकेटी वेलकम। घनश्याम शाह ओके ओके, नंबर भेज रहे हो आप, बिल्कुल कॉल करेंगे आपको। नरेश राजपूत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी आपको भी। गणतंत्र दिवस की सभी, सुधीर भाई गुड आईएमसी, यादव खान जी, कानाराम, कानाराम जी वेलकम, कैसे हैं, 81 हो गए ग्रेट। धर्मेंद्र सैनी गुड आईएमसी, शिवम अग्रवाल वेलकम वेलकम, रिंकी शाह गुड आईएमसी पुत्र, ऋषभ कुंद्रा गुड आईएमसी कुरुक्षेत्र टीम, दीप्ति कुमावत गुड आईएमसी योगेश जी, उन्नति यादव गुड आईएमसी, विजय मजोका लव लो जी सर अभी करते हैं 100 ओके ओके, चंद्र भूप जी वेलकम, यादव खान आई लव यू सर, राजेश कुमार, नरेश राजपूत, टीके नरवाल कैसे हो बेटा, नीता अग्रवाल वेलकम, सुनील कुमार गुड आईएमसी, 83 हो गए 81, रविंदर सिंह ढिल्लो चेयरमैन साहब थैंक यू, मुलायम कुशवाहा जी लव यू सर लव यू, स्मृति यादव वेलकम, सोनू वर्मा गुड आईएमसी चेयरमैन साहब, धर्मेंद्र सोडी गुड आईएमसी, स्मृति यादव सल्यूट, पाल जी क्या बात है, शेर पे सवार क्या बात है, स्मृति यादव अमेजिंग थैंक यू। बहुत 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 शानदार बात करनी है तो मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ, आप सबका वेलकम है। और आज बहुत अच्छा दिन है, सबसे पहले तो आज सबको पूरी आईएमसीएन परिवार, आईएमसी फैमिली, आईएमसी मैनेजमेंट, टाइगर टीम इंडिया और सभी, शम्मी बब्बर, देवेंद्र सैनी, कुलदीप जी गुड गुड गुड, पाल जी चलिए अभी कमेंट सेक्शन में पढ़ना बंद कर रहा हूँ। साथियों बहुत समय से आप लोगों से बातचीत नहीं की थी और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड आईएमसी, जय भारत, जय हिंद, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बड़ा हैप्पी हूँ, बड़ा खुश हूँ कि आज जो है आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मेरा सल्यूट है टाइगर टीम इंडिया को, आईएमसीएन फैमिली को, आईएमसी मैनेजमेंट को। और मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे स्पॉन्सर और मेरे अप्लाइंग श्री गौरी शंकर बत्रा जी का, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्रणाम सल्यूट। और उसके बाद मैं नतमस्तक दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा हमारे सब की आइडियल आईएमसी की आन बान शान शेरे हिंदुस्तान मिस्टर अजय मान जी, बहुत मैं आइडियल मानता हूँ, टाइगर टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं वो। और उसके बाद मैं सल्यूट करना चाहूँगा, नतमस्तक दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा पूरी टाइगर टीम इंडिया के हर एसोसिएट को, आपका वेलकम है। आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ड्रीम आज से ठीक 67 महीने पहले साथियों मैंने आईएमसी में काम शुरू किया था, बहुत सारे चैलेंज मैंने देखे, हर एसोसिएट जो है ना बहुत सारे चैलेंज देखता है, लेकिन आज वो सारे ड्रीम आईएमसी से पूरे हुए हैं। आप सबकी दुआओं से और टाइगर टीम इंडिया की मेहनत से आज मैं आपके घर में, मेरा घर नहीं बोलूंगा, मैंने बाहर भी नाम में जो नंबर प्लेट लगवानी है उस पर मेरा नाम नहीं होगा, उस पर आईएमसीएन फैमिली लिखा जाएगा। तो आज मैं अपने सपनों के घर, अपने सपनों के बंगलो, लगभग 1.25 करोड़ का मैंने ये परचेज किया है, तो ये सब टाइगर टीम इंडिया की बदौलत, मैं बधाई देना चाहूँगा आपको। और कल 25 जनवरी को टाइगर टीम इंडिया की बदौलत शानदार आईएमसी से तीसरी कार ली है, पिछले 5 साल के कैरियर में 3 कार, कल तीसरी कार मैंने ली है। और बहुत लोगों को मैं देखता था कि गाड़ियों की छत खुलती थी, तो मेरा भी ड्रीम था कि छत खुलने वाली जो है सनरूफ मूनरूफ गाड़ी होनी चाहिए, तो कल वो ड्रीम भी पूरा हुआ। कल मैंने बहुत ही शानदार आप लोगों के सहयोग से शानदार कार खरीदी है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आईएमसी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सपने सच होते हैं, ड्रीम पूरे होते हैं, ड्रीम लेने वाले बने। साथियों 2021 आईएमसीएन और आईएमसी परिवार के लिए बहुत ही शुभ साल स्टार्ट हुआ है। और इसी साल के शुरुआत में हमने कोरोना काल के बाद धमाकेदार प्रोग्राम किए हैं, हाउसफुल प्रोग्राम किए हैं, 500 प्लस एसोसिएट के प्रोग्राम हमने किए हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा टाइगर टीम के जितने भी चेयरमैन हैं,
इंटायर आईएमसी फैमिली को मैं बधाई देना चाहूँगा, और आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो साथियों, बहुत सारी बातें आज आप लोगों से करनी है। तो आज का जो टॉपिक है कि 2021 में आईएमसी में टाइगर टीम में जितने भी एसोसिएट हैं 2021 के में सबको चेयरमैन बनाना है, सबके घर में 1,00,000 मिनिमम इनकम पहुंचाना है, सबको लग्जरी कार दिलवाना है, और सबको आईएमसी का हीरो बनाना है, और सबका पूरे भारत में डंका बजाना है, यही आईएमसी के टाइगर टीम के लीडरों ने ठाना है। तो वेलकम है आपका। और मैं बड़ा खुश हूं आज की, बड़े दिनों के बाद 100 हो गए हैं, थैंक यू, बड़े दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बड़ी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे साथी बोल रहे थे, इंटायर आईएमसी फैमिली बोल रही थी कि सर जब आप फेसबुक पे लाइव आते थे तो हमने कोरोना काल में बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। और अगर आप लोगों की इजाज़त है, लास्ट में हम उसमें कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि अगर आप चाहेंगे तो हम दोबारा 1 महीने में 4 सेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है फेसबुक के माध्यम से हम शुरू करेंगे, और हम जूम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जूम में सिर्फ टाइगर टीम ही देख सकती है। लेकिन टाइगर टीम की ये सोच है, टाइगर टीम की ये सोच है कि आईएमसीएन हो, किसी भी टीम से हो लेकिन आईएमसीएन हो और वो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सके। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने जिस तरीके से टाइगर टीम एसोसिएट चेयरमैन, रूबी स्टार, गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार, डायमंड स्टार, अम्बेसडर स्टार की बदौलत जो है ये जो मैंने मुकाम हासिल किया है, हर व्यक्ति हर एसोसिएट वो मुकाम हासिल करे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, पिछले महीने हमारे जो चेयरमैन ब्रेक जिन्होंने किया है उसमें से हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत ही स्मार्ट लीडर हैं, बहुत ही जानदार लीडर हैं जिन्होंने पिछले महीने चेयरमैन ब्रेक किया है, चंद्रमोहन जी। तो एक बार चंद्रमोहन जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, वेलकम है, बहुत बहुत बधाई आपको इंटायर आईएमसीएन फैमिली की तरफ से। दूसरे हमारे जांबाज लीडर हैं जिन्होंने पिछले महीने चेयरमैन ब्रेक किया है, बहुत ही शानदार साथी हैं, बहुत ही स्ट्रगल किया है उन्होंने, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े प्यारे हैं, अंदर बाहर से एक हैं, बिल्कुल ट्रांसप्लांट हैं। हमारे मास्टर जी बलबीर मास्टर जी, सुखदेव जी की टीम से ये दोनों चेयरमैन हैं, तो मैं बलबीर मास्टर जी को बधाई देना चाहूँगा इंटायर आईएमसी फैमिली की तरफ से। उसके बाद हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही उम्दा, बहुत ही संघर्षशील साथी हैं जिन्होंने पिछले महीने चेयरमैन ब्रेक किया है, बहुत ही शानदार लीडर हैं, मिस्टर रमेश जांडली जी हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और इसी कड़ी में सुरेश जी, ये अपने रमेश जांडली जी गुरविंदर जी की टीम से हैं, तो गुरविंदर जी आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हमारे बहुत ही शानदार लीडर जो बहुत कम समय में चेयरमैन बने हैं, बहुत ही ग्रोइंग लीडर हैं, छोटे कद के हैं लेकिन बहुत ही मास्टर ब्लास्टर हैं, कल वो आए थे सेलिब्रेशन पे, हमने जब गाड़ी परचेज की थी, सोनीपत से हैं, सुरेश जी की टीम से हैं, बहुत ही कम समय में 12 महीने में उन्होंने चेयरमैन ब्रेक किया है, तो आप सब उनको बधाई दीजिए। और बहुत ही शानदार उम्दा लीडर हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और 12 महीने में चेयरमैन भी ब्रेक किया है, शानदार ब्रांड न्यू वैगनार गाड़ी मिली है, और बहुत बड़ी टीम बनाई है 12 महीने में। और हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं, जयपाल लाठर जी की टीम से हैं, नवनीत मलिक जी की टीम से हैं, निशा जी की टीम से हैं, और सुरेश जी की टीम से हैं, तो हमारे बहुत ही ब्रांड न्यू चेयरमैन स्टार मिस्टर सत्यनारायण जी, मिस्टर सत्यनारायण जी सोनीपत से हैं, ब्रांड न्यू चेयरमैन बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारी नई अचीवमेंट हुई है, क्योंकि सारी नई अचीवमेंट अगर हम अनाउंस करेंगे तो बहुत सारा समय जो है आज हमें अचीवमेंट लग जाएंगे। और जितने भी डायमंड स्टार बने हैं, जितने भी रूबी स्टार बने हैं, जितने भी गोल्ड स्टार बने हैं, जितने भी सिल्वर स्टार बने हैं, और जितने भी जो है सुपर स्टार बने हैं, और जितने भी स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 बने हैं, सबको आईएमसीएन फैमिली की तरफ से, टाइगर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही लोगों के दिल पे राज करते रहें, ऐसे ही स्वदेशी का नारा पूरे भारत में गुंजाते रहें, ऐसे ही हमारे राजीव दीक्षित जी जिन्होंने सपना लिया था कि स्वदेशी भारत, आयुर्वेद को प्रमोट करना, तो कहीं ना कहीं हम माननीय श्री राजीव दीक्षित जी का सपना पूरा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जो एसोसिएट आईएमसी में आ जाता है, जो व्यक्ति आईएमसी में आ जाता है, वो जाने अनजाने काम तो अपने लिए करता है लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है।
एक आईएमसी का एसोसिएट सुबह सब स्वदेशी टी शर्ट पहन के, स्वदेशी स्वेट शर्ट पहन के, तुलसी पियो निरोग जियो जिनका बैच लगा के जब वो घर से निकलता है, लोगों को स्वदेशी के बारे में बताता है, लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताता है, लोगों को निरोग जीवन जीने के बारे में बताता है, लोगों को रोजगार देने के बारे में बताता है, मेरा सल्यूट है उस हर एसोसिएट को। लेकिन जब वो एसोसिएट घर से निकलता है तो बहुत सारे चेले जाते हैं, बहुत सारे चेले जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और मेरी अपलाइन हमेशा एक बात बोलते हैं कि समस्या हमेशा जिंदा लोगों को आती है। और 2021 का जिस तरीके से आगाज हमने किया है, जिस तरीके से टाइगर टीम बहुत तेज गति से ग्रो करना शुरू किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू किए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने 2020 में एक कसम खाई थी, 2020 में हमने एक कसम खाई थी कि 2020 में, 2020 में हम लोग 20 नए चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन टाइगर टीम ने इतिहास ब्रेक किया। उस समय टाइगर टीम में मात्र 8 चेयरमैन थे, आज टाइगर टीम में 40 चेयरमैन हैं। तो आप सब इसके बधाई के पात्र हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और मैं अगर हर एसोसिएट अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो मैं उस पर कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इस सिस्टम में चेयरमैन बनना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम में क्राउन प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम में फेमस होना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम में अपने फैन फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम में दुनिया पर राज करना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम में लोगों के दिल में बसना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है अपने लोक व्यवहार को सुधारना है। हम जो बोलते हैं उसका सामने वाले पे असर होता है। अपना लोक व्यवहार सुधारना है, ये पहला गुण है अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं। दूसरा, अगर 2021 में आप बड़ी अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं, बड़ा बंगला लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो एक क्लब बनाया है हमने, हमारे एमडी साहब श्री सत्यन भाटिया जी और हमारे फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने एक नारा दिया है कि अगर आप अपने एक साल में आईएमसी में बहुत बड़ी पिन लेना चाहते हैं तो आप 7 to 11 काम करना शुरू कर दें। 7 to 11 सुबह 7 बजे घर का दरवाजा छोड़ देना है और 11 बजे से पहले घर के दरवाजे पे नहीं आना है। पहला काम है ये अगले एक साल में, इस 2021 में इतना काम करें जितना हम अगले 5 साल में कर सकते हैं, क्योंकि 2021 आईएमसी के लिए गोल्डन ईयर है। 2021 आईएमसी के लिए बहुत शुभ स्टार्ट हुआ है। 7 to 11 काम करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपने होम मीटिंग का मास्टर बनना है। किसका मास्टर बनना है? होम मीटिंग का। बहुत सारे लोग होम मीटिंग करते हैं, लेकिन होम मीटिंग करना और रिजल्ट ओरिएंटेड होम मीटिंग करना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे शादी करना और अच्छे तरीके से घर को चलाना दो अलग अलग बातें हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग होम मीटिंग तो करते हैं, लेकिन होम मीटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड, और कॉल कर रहे हैं बीच में ही। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार क्लियर कर दें, क्या आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है कि इसलिए तो फोन नहीं कर रहे कि नेटवर्क में कोई दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही हो? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिखें प्लीज। अगर मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिखें, क्योंकि बीच में चेयरमैन साहब का फोन आ रहा था, शायद आवाज में कोई डिस्टर्बेंस हो या कोई नेटवर्क में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स हटा दिया था। ओके, सुखदेव जी बोल रहे हैं, ओके चलिए, थैंक यू धन्यवाद। टॉपिक भटक जाता है, अगर बीच में किसी की कॉल आ जाती है टॉपिक भटक जाता है। साथियों, अगर आप इस सिस्टम में चेयरमैन बनना चाहते हैं तो मात्र 2 काम करने हैं, तीसरा कोई काम नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है और दूसरा काम नेटवर्क बनाना है। अब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। स्किल मतलब किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना, किसी भी काम में महारत हासिल करना, स्किल। अगर आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, और अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर विल पावर मजबूत होनी चाहिए। विल, स्किल और विल। और स्किल आप कहां से सीखेंगे? स्किल सीखेंगे आप ट्रेनिंग से, सेमिनार से, मीटिंग से, वर्कशॉप से। गड़बड़ क्या होती है
जैसे सीखने की बात आती है तो लोग बोलते हैं पहले मैं चेयरमैन बन जाऊं, पहले मेरे को पैसा आ जाए, अभी तो पैसा अपलाइन को जा रहा है। पहला काम, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने ऊपर खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर खर्चा करना शुरू कीजिए। आप स्किल्ड, आप मास्टर बन जाएंगे। आईएमसी में चेयरमैन बनना बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान उस व्यक्ति के लिए है जो स्किल सीख रहा है, जो अपने ऊपर काम कर रहा है। दूसरा, विल, विल इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कहां से आएगी? इच्छा शक्ति आएगी माहौल से। माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। इच्छा शक्ति आती है माहौल से, और जब माहौल बनता है ना मेरे दोस्त, मैं हर मीटिंग में, हर सेमिनार में ये कहानी बहुत बार सुना चुका हूं, जब माहौल बनता है तो एक हारा हुआ योद्धा भी जीत जाता है। जब माहौल बनता है, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी क्राउन प्रेजिडेंट बन जाता है। जब माहौल बनता है, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लेता है। सारा मामला माहौल का होता है। और गड़बड़ क्या होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को मीटिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को सेमिनार की जरूरत नहीं है, मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा। मेरे दोस्त, माहौल, जैसा माहौल होगा वैसी हम एक्टिविटी करेंगे। माहौल में रहना पड़ेगा। और जब माहौल बनता है तो बड़े बड़े विरोधी लोग भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि माहौल में कमजोर व्यक्ति भी जीत जाता है। माहौल में रहिए, मीटिंग में रहिए, सेमिनार में रहिए, अपनी अपलाइन की टच में रहिए। अगर आप एक हफ्ता भी माहौल से दूर हो गए तो यहां पे नेगेटिविटी आ जाएगी। और ये जो है ना, मैं हमेशा मीटिंग में बोलता होता हूं कि ये जो दिमाग है, ये दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली और उपजाऊ भूमि है, और इसमें आप जो डालोगे वही उगेगा, और अगर कुछ नहीं डालोगे तो कुछ ना कुछ उगेगा, और बिना डाले जो उगे उसको बोलते हैं खरपतवार। और अगर आप माहौल में नहीं रहोगे, सेमिनार में नहीं जाओगे, मीटिंग में नहीं रहोगे, तो खरपतवार यहां पे खरपतवार उगेगा, अजीबोगरीब ख्याल आएंगे। माहौल में रहना है। होम मीटिंग की बात कर रहे थे। होम मीटिंग में आपको मास्टर बनना है। होम मीटिंग करनी कैसे है, इसका मास्टर बनना है पहला। दूसरा काम क्या काम का करना है, एक हैबिट बना लेनी है आपने। एक हैबिट बनानी है कि रोजाना, अगर आप अगले एक साल में 2021 में मिनिमम 1,00,000 की इनकम पे जाना चाहते हैं तो आपको हैबिट बनानी है, अपनी आदत बनानी है। पता क्यों? क्योंकि आदतें हम बनाते हैं, और जो आदतें होती हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। आदत बनाइए। मैं कहानी सुनाता हूं आपको, इंटरेस्टेड है, बड़ा मजा आएगा आपको। आदत का क्या रिजल्ट होता है? ये तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों की आदत है। इन तीनों की क्या आदत है? ये जो व्यक्ति है, इसकी आदत है कि सुबह 4 बजे उठता है, मॉर्निंग वॉक करता है, एक गिलास गर्म दूध का पीता है। ये रूटीन में इसकी आदत है, हैबिट है। दूसरा जो व्यक्ति है, इसकी आदत क्या है? ये एक बाटली रोज शराब पीता है। ये इसकी आदत है, एक बोतल रोज पीता है। और तीसरा जो व्यक्ति है, इसकी क्या आदत है? ये आईएमसी का एसोसिएट है। इसकी आदत है, चाहे नौकरी करता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे सीए है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, लेकिन इसकी एक आदत है कि रोजाना ये 5 लोगों को एसटीपी करता है, प्लान शो करता है, आईएमसी की इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट शेयर करता है। रोजाना इसकी आदत है। और इसकी आदत है कि जिस दिन ये प्लान शो नहीं करता, जिस दिन ये प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देता, जिस दिन ये 5 लोगों से नहीं मिलता, उस दिन ये शाम का खाना नहीं खाता। 3 लोग हैं अलग अलग। अब बताइए, ये जो 3 लोग हैं, इनकी जो आदत है, इनके रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल बाद इनके रिजल्ट आएंगे। ये जो पहला व्यक्ति है जो सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, 1 गिलास दूध का पीता है, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इसको गोल्ड मेडल ना मिले, लेकिन ये फिजिकली फिट रहेगा, इसको कोई बीमारी नहीं होगी, इसका तौंद बड़ा हुआ नहीं होगा, आदत की वजह से रिजल्ट आएंगे। दूसरा जो व्यक्ति है, रोजाना जो 1 बोतल शराब पीता है, इसकी आदत है। अब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इसका भी तो रिजल्ट आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? कुछ समय के बाद इसका लीवर खराब हो चुका होगा, चलने फिरने की ताकत नहीं होगी, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया होगा, इसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया होगा, लीवर इसका डैमेज हो गया होगा, डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया होगा, और ये घर पे खाट पे पड़ा होगा, और पत्नी
दुआ कर रही होगी, ये भगवान निपटा दे इसको, आदत है उसकी, आदत का रिजल्ट आता है। तीसरा जो व्यक्ति है जिसकी आदत है कि वो रोजाना 5 लोगों को IMC का प्लान दिखाता है, 5 लोगों को सिस्टम के बारे में बताता है, कभी वो आउटलेट पे लेके जाता है, कभी वो TD पे लेके जाता है, कभी वो सेमिनार में जाता है, कभी वो मीटिंग कर रहा होता है, कभी वो अपलाइन से बात कर रहा होता है, कभी वो तुलसी के बारे में बता रहा होता है, कभी वो एलोवेरा के बारे में बता रहा होता है, इसका भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 5 साल बाद, 2 साल बाद ये व्यक्ति अपने शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका होगा, अपने शहर की सबसे लंबी गाड़ी इसके पास होगी, भारत सरकार को TDS देने वाला उस शहर का सबसे पहला व्यक्ति होगा बड़ी संख्या में, और सही मायने में यह भारत माता की सच्चा सपूत होगा जो देश को भी आगे ले जा रहा होगा और अपने परिवार को भी आगे ले जा रहा होगा। आदतें हम बनाते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो अब ये हमने सोचना है कि हमने कौन से वाली आदत बनानी है, कौन से वाली आदत बनानी है। तो सबसे पहले आदत बनाइए, आदत बनाइए सुबह जल्दी उठने की, आदत बनाइए लोगों को प्लान दिखाने की, आदत बनाइए सुबह जल्दी घर का दरवाजा छोड़ने की, आदत बनाइए लोगों से मिलने की, आदत बनाइए डेमो दिखाने की, आदत बनाइए होम मीटिंग करने की। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, लोग हमारी सुनते नहीं है। सुनते हैं लोग, सुनते हैं लेकिन सुनाने की आदत तो बनाइए। होम मीटिंग करनी है रोजाना, आपने 5 होम मीटिंग करनी है अगर आप फुल टाइमर है, रोजाना 5 होम मीटिंग करनी है, और 5 होम मीटिंग जो व्यक्ति करेगा अगले 1 साल में सिस्टम में मिनिमम 1 लाख इनकम पे पहुंच जाएगा। तो ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, रोजाना डेली आपने अपनी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से बात करनी है। क्या करनी है, बात। और जब आप बात करो तो रोना नहीं रोना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोते रहते हैं सर क्या करूं, लोग नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, और रोते रहते हैं। और जो व्यक्ति रोता है अपलाइन भी उससे बात नहीं करती है। बात समझ आ रही है, रोजाना अपनी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से बात करनी है। क्लियर। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम यह करना है कि आपने रोजाना जब आप शाम को घर पे आते हैं तो सोने से पहले आपने किसी भी सफल IMC के लीडर को सुनना है, सफल IMC के लीडर को सुनना है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं सफल, एक होते हैं असफल। आपने किसको सुनना है, सफल। YouTube, समझदार लोग YouTube देखते हैं और बेवकूफ लोग TV देखते हैं, क्योंकि TV हमें वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है और YouTube हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। अब डिपेंड हमारे ऊपर है। रोजाना आपने 1 वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे। 3 काम करने। चौथा, आपने अपना टारगेट बनाना है, गोल बनाना है, लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, टारगेट। गड़बड़ क्या होती है कि जो भी IMC में एसोसिएट आता है, मिनिमम मैक्सिमम संख्या में मैंने देखा है कि वो व्यक्ति बोलता है कि चेयरमैन तो बनना चाहता हूं लेकिन डेट फाइनल नहीं है, डेट फाइनल नहीं है। मेरे दोस्त, सिर्फ 2 चीजों की डेट हम फाइनल नहीं कर सकते, 2 चीजों की। पहला, जन्म की डेट हम फाइनल नहीं कर सकते, हमारा कब जन्म होगा हम फाइनल नहीं कर सकते, और दूसरा, हम इस दुनिया को छोड़ के कब जाएंगे ये हम डेट फाइनल नहीं कर सकते। 2 डेट सिर्फ परमपिता परमात्मा ने, नेचर ने, कुदरत ने अपने पास रखी हैं, बाकी डेट फाइनल का अधिकार आपको दिया है कि आप इस जीवन में क्या करना चाहते हैं आप लिख दो, आप लिख दो, और जो चीज हम लिखते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाती है, यहां पे जाती है सीधी, और जो हम लिखते हैं वैसा होता है। तो आपने अपना गोल लिखना है, टारगेट लिखना है। गोल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोल शॉर्ट टर्म में गोल, लॉन्ग टर्म में गोल। मैं कहता हूं कि आपने गोल बना लिया कि आपने 31 मार्च 2022 से पहले पहले अगर कोई लेवल बंदा आज ज्वाइन हुआ है तो उसने चेयरमैन बनना है। क्या बनना है, चेयरमैन। डेट फाइनल कर दो कि ये मेरा चेयरमैन डन है। जैसे आप डेट फाइनल करोगे सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। डेट फाइनल करें, गोल। जैसे आप 1 साल का गोल बनाओगे वैसे ही फिर उसको मंथली कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको वीकली कन्वर्ट कीजिए, और फिर उसको डेली में कन्वर्ट कीजिए। गोल बनाना है, रोजाना काम करना है उस गोल के मुताबिक। गोल महत्वपूर्ण है, अगर हम गोल नहीं बनाएंगे तो कोई और गोल बना देगा। मैं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति खुद का टारगेट नहीं बनाते वो किसी और का टारगेट पूरा करते हैं। इसलिए खुद का टारगेट बना लो,
नहीं तो किसी और का टारगेट पूरा करने में कोई और आपको यूज करेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, कर्म फल भोगना पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। कर्म फल भोगना पड़ता है साथियों। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बार सुनी होगी, आज इमेजिन करना, उसको महसूस करने के तरीके से सुनना। कर्म फल भोगने पड़ते हैं, जो हम करते हैं भोगना। एक बार एक व्यक्ति था, एक ऑफिस में जॉब करता था, क्लर्क था, एक ऑफिस में जॉब करता था, और एक दिन वो लेट हो गया। अब जैसे लेट हो गया तो उसका जो बॉस था उसने उसको डांट दिया। अब अगर हम लेट जाएंगे तो बॉस डांटेगा, बॉस ने डांट दिया कि धर्मशाला समझ रखा है, जब चाहते हो जब आते हो, ये कोई टाइम है आने का, 12 बजे पड़े हैं। अब बड़े खतरनाक तरीके से उसने उसको डांट दिया। अब क्लर्क को जब डांटा तो क्लर्क को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब क्लर्क को भी गुस्सा आया। अब जब क्लर्क को गुस्सा आया तो क्या करेगा, वो भी तो किसी ना किसी को डांटेगा। अब उसके नीचे था पीएन, अब उसने पीएन को डांट दिया क्योंकि गुस्सा था, किसी पे तो उतारना ही है। तो पीएन क्या कर रहा था, वो चैट कर रहा था, आजकल बड़े फेसबुक यूट्यूब पे चैटिंग करते हैं ना हम लोग, चैट कर रहा था। तो बोला, धर्मशाला समझ रखी है, तेरे बाप का ऑफिस है, काम धाम करते नहीं हो, सारा दिन चैटिंग करते रहते हो। अब उसने पीएन को डांट दिया। अब पीएन को डांट दिया तो पीएन को भी गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, वो तो इंसान है। अब पीएन को डांट दिया तो पीएन को बड़ा गुस्सा आया। अब पीएन से नीचे तो है ही नहीं। अब पीएन जो है वो शाम को 5 बजने का इंतजार करने लगा कि 5 बजेगा, घर पे जाऊंगा, मैडम को डांटूंगा। अब वो घर पे गया, उसकी वाइफ बाहर ही बैठी थी, थोड़ी मोटी थी दिखने में, थोड़ी हेल्दी थी, खाते पीते घर की थी। तो बाहर से चिल्लाने लगा कि सारा दिन खाती रहती है, काम धाम करती नहीं है। उसने अपनी वाइफ को बड़े जबरदस्त तरीके से डांट दिया। अब पत्नी को बिना वजह अगर कोई डांटेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पत्नी को गुस्सा आया। उससे पहले क्योंकि पड़ोसन उसको फंसती, वो अंदर गई, बच्चा टीवी देख रहा था, चिल्ला रहा था कि मम्मी मम्मी खाना दे दो। अब मम्मी को गुस्सा था, उसने बच्चे को डांट दिया, बोली पढ़ता लिखता है नहीं, सारा दिन टीवी देखता रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया। अब बच्चे को डांट दिया, बच्चे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब बच्चे को गुस्सा आया तो बच्चा बाहर निकला, गली में कुत्ता था, कुत्ते के लात मार दी। अब जैसे कुत्ते के लात मारी, कुत्ता भागने लगा और भौंकने लगा कि बदला लूंगा। उसी समय गली में एक व्यक्ति जा रहा था और उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट खाया, और जिस व्यक्ति को काट खाया वो था ऑफिस का बॉस। अब वो बॉस चिल्ला रहा है कि हे भगवान, मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा था, इस कुत्ते ने मेरे को क्यों काटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस बॉस को कुत्ता काटे, उसके बीज किसने बोए थे? बॉस ने बोए थे ना। वो क्लर्क को डांटता, क्लर्क पीएन को नहीं डांटता, पीएन अपनी घरवाली को नहीं डांटता, और घरवाली जो है वो बच्चे को नहीं डांटती, और बच्चे को नहीं डांटती तो कुत्ता कुत्ते को लात नहीं मारता, और कुत्ते को लात नहीं मारता तो वो उसको नहीं काटता। लेकिन बीजने और काटने के बीच का जो डिफरेंस है ना मेरे दोस्त, वो कभी समझ में नहीं आता कि हमें कुत्ते ने क्यों काटा। मामला ये पे है सारा, जैसा हम बीजते हैं वैसा हम काटते हैं। हमारी बहुत सारी अपलाइन है, जिन्होंने कुछ समय पहले मान सामने लगभग 10 साल पहले IMC के माध्यम से अमेरिकी बीज बोए थे, आज 20 से 25 लाख का कुत्ता काटता है। डॉक्टर बीडी फुटेला 6 साल पहले IMC में आए, अमेरिकी बीज बोए, आज 3 से 4 लाख का कुत्ता काटता है उनको। और हमारे बहुत सारे चेयरमैन हैं, गौरी शंकर बत्रा जी 2.5 से 3 लाख का कुत्ता काटता है। बहुत सारे चेयरमैन हैं, टाइगटिंग में बहुत सारे चेयरमैन हैं। तो मेरे साथियों, कर्म फल भोगना पड़ता है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि जैसे हम काम शुरू करते हैं, आज का सेशन जो है ना वो शुरुआत है, कल अगला जो सेशन होगा उसमें बहुत मजा आएगा। गड़बड़ क्या होती है कि एक व्यक्ति IMC की मीटिंग में आता है, बड़ा मोटिवेट हो जाता है, चीर देंगे फाड़ देंगे चक देंगे फट्टे, इतना मोटिवेट हो जाता है। जैसे वो मीटिंग से बाहर निकलता है रस्ते में लोग उसको टोंट मारना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तू भी IMC में आ गया, मैं तो तेरे को समझदार समझता था। एक बात समझ लीजिए मेरे दोस्त,
पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस भी व्यक्ति की जय जयकार हो रही है, जिस भी व्यक्ति ने कीर्तिमान बनाए हैं, जो भी व्यक्ति बापू बना है, बापू मतलब कामयाब, उसने संघर्ष झेले। और ये जो कुदरत है ना, ये जो नेचर है ये हमारी परीक्षा लेती है, नेचर हमारी परीक्षा लेती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मेरा तो ये हो गया, मैं तो आईएमसी शुरू की, मेरे साथ ये चले। मेरे दोस्त, कुदरत हमारी परीक्षा लेती है, उस परीक्षा को पार करना पड़ेगा, उस परीक्षा को पार करना पड़ेगा। कारण बड़ा होना चाहिए, कारण बड़ा होना चाहिए, आपके पास कारण बड़ा होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम में क्राउन प्रेजिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, एम्बेसडर बनना चाहते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो आपका कारण उतना बड़ा होना चाहिए। मेरे दोस्त, आईएमसी की पावर को समझ जाइए। पूरी दुनिया में 97% जो लोग हैं वो टेम्परेरी इनकम पे काम करते हैं, ध्यान रखिए 97% लोग टेम्परेरी इनकम पे काम करते हैं, और सिर्फ 3% जो लोग हैं वो परमानेंट इनकम पे काम करते हैं। टेम्परेरी इनकम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी इनकम मतलब होता है कि जब आप काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन जब जब काम करेगा तब तक पैसा आएगा, उसको बोलते हैं टेम्परेरी इनकम। और दूसरी होती है परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम का मतलब होता है कि आपने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, जिस दिन मन करे उस दिन मीटिंग करें, और जिस दिन मन करे उस दिन ज्वाइन करें, तब भी पैसा आएगा। इसको बोलते हैं परमानेंट इनकम, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पहले वाली थी एक्टिव इनकम, ये पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम लेनी है तो चैलेंज तो फेस करने पड़ेंगे, चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। और जो व्यक्ति चैलेंज फेस नहीं करेगा उसको उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आज के बाद एक बात बोलिए उस परमपिता परमात्मा से, नेचर से, कुदरत से एक बात बोलिए कि मैं सारी समस्याएं झेलने को तैयार हूं, सारे चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हूं, जितने बड़े बड़े चैलेंज है वो मेरे को दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति जितने बड़े चैलेंज फेस करता है उतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। आज के बाद रोना नहीं है कि हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरी समस्या खत्म कर दे। पर एक बात बताऊं, गलती से ये बात बोल मत देना कि मेरी समस्या खत्म कर दे। जिंदा लोगों को समस्या आती है, जिंदा लोगों को चैलेंज आते हैं, जिंदा लोगों को चैलेंज आते हैं, मुर्दा लोगों को कभी चैलेंज नहीं आते। इसलिए जीवन में अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो अगले तीन से पांच साल छोटे छोटे चैलेंज फेस करना सीख जाओ, दुनिया आपको सल्यूट करेगी, दुनिया आपका एग्जाम्पल देगी, दुनिया आपके साथ सेल्फी लेगी, दुनिया आपको यूट्यूब पे देखेगी। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि छोटे छोटे चैलेंज से हम लोग घबरा जाते हैं। इसलिए आज के बाद घबराना नहीं है। आज का ये जो बिगनिंग जो आज का फेसबुक सेशन था, बस आपसे रूबरू होना था। अब मैंने प्लान किया है अपने सभी चेयरमैन और जितने भी आईएमसीएन हैं कि हमने जो है, अभी मैं कमेंट बॉक्स शुरू कर देता हूं, आप जो है अपना व्यू इसमें डाल सकते हैं। हमने एक सेशन शुरू किया था ड्यू टू लॉकडाउन कोविड के दौरान, हमने डेली अलग अलग टॉपिक पे हमने ट्रेनिंग शुरू करी थी, और उस ट्रेनिंग से बहुत सारे साथियों को फ़ायदा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग सेशन दोबारा शुरू हो, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि सर आप फेसबुक जो है, जो आपका सेशन है उसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो अभी हम लोग फील्ड में होते हैं, मीटिंग सेमिनार्स होते रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि महीने में 4 बार
ट्रेनिंग सेशन हो जिसमें हमें ये सीखे कि बिजनेस बिल्ड कैसे करना है, प्लान शो कैसे करना है, होम मीटिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है। अगर आप सहमत हैं कि महीने में 4 दिन लाइव फेसबुक सेशन होना चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिए। जिसका बहुमत होगा, जो भी बहुमत से होगा, हम उसी तरीके से उस पर शुरू कर लें। और जिन भी साथियों ने इस पेज को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैक्सिमम हमारे जो IMCN हैं उनके तक ये ट्रेनिंग सेशन पहुंच सके। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, खतरनाक ट्रेनिंग सेशन होते हैं टाइगर टीम के। तो फटाफट से मैं नाम पढ़ने शुरू कर रहा हूँ। फटाफट से अगर आप चाहते हैं कि सेशन हो तो फटाफट से यस बोलिए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? ये विक्रम सिंह भाटी लिखते हैं, होना चाहिए। रिंकी सा यस, सम्मी बबर यस, कुलदीप मास्टर यस, राधा यस, प्रवीण कुमार होना चाहिए, वेरी गुड, बलबीर जी होना चाहिए, सम्मी बबर, सुनीता जी, प्रदीप जी, नीरज बिसला जी, पीके नरवाल, सुनील, प्रवीण, अमित, वेरी गुड, करनैल सिंह, मुकेश कुमार शर्मा होना चाहिए, जीतू परवा होना चाहिए, केशव सिंह होना चाहिए, संदीप यादव यस, महाराष्ट्र से अनिल मौर्या यस सर, ओके सर, ओके चेयरमैन साहब, प्रवीण कुमार होना चाहिए, स्नेहाप्रीत कौर यस होना चाहिए, ठीक है बेटा, सुनीता बोल रही है यस, ओके नीरज जी यस, जावेद अख्तर यस, मिस्टी रागिनी यस यस, सत्य प्रकाश गोस्वामी लिखते हैं यस सर होना चाहिए, केशव सिंह लिखते हैं यस सर होना चाहिए, प्रवीण कुमार लिखते हैं यस सर होना चाहिए, जीतू पावा होना चाहिए, प्रवीण कुमार लिखते हैं यस होना चाहिए, संजय कुमार यस सर, प्रवीण कुमार कलिया गुड आई एम सी, मतलब क्या समझें इसको प्रवीण जी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रवीण कुमार यस सर, प्रवीण कुमार यस सर, राम प्रकाश मौर्य यस सर, प्रवीण जी लिखते हैं यस सर, अच्छा प्रवीण कुमार लिखते हैं यस सर, ओके ओके सर, ओके ओके, सिल्लू केसरवानी लिखती है यस सर, जीतू पावा लिखते हैं यस होना चाहिए, नीरज बिसला लिखते हैं होना चाहिए, प्रवीण कुमार कलिया गुरुजी चक दिए फट्टे, ओके ओके लव यू प्रवीण कुमार यस सर होना चाहिए, केशव सिंह यस सर होना चाहिए, गोविंदर सिंह ढिल्लों बोल रहे हैं होना चाहिए, चेयरमैन साहब जीतू पावा लिखते होना चाहिए, जीतू पावा यस, प्रवीण कुमार यस होना चाहिए, मुकुल जायसवाल लिखते हैं यस होना चाहिए, विजय मजोका चेयरमैन साहब बोलते होना चाहिए, प्रेम कुमार यस सर होना चाहिए, अनिल मौर्या जी लिखते हैं होना चाहिए, केशव प्रसाद जी लिखते हैं होना चाहिए, अमित यादव यस सर, मैक्सिमम सेशन होने चाहिए, ओके, बलबीर सिंह मास्टर जी चेयरमैन साहब लिखते हैं होना चाहिए, सुखजी कुमावत जी यस सर, अजय पुनिया जी सर होना चाहिए, केशव प्रसाद होना चाहिए, राजपाल वर्मा होना चाहिए, ललित कुमार होना चाहिए, सुभाष कुमार होना चाहिए, रोशन सैनी लिखते हैं यस सर होना चाहिए, मुलायम कुशवाहा लिखते हैं होना चाहिए, अच्छा ओके ओके, दुर्गेश कुमार लिखते हैं होना चाहिए, इंद्र कुमार पटेल यस 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 यस, प्रेम कुमार यस 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 यस, सम्मी बबर पक्के वाला होना चाहिए, ओके 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 ओके, मुकेश कुमार यस सर होना चाहिए, नीमका थाना से दिनेश मौर्या लिखते होना चाहिए, और बंसी गोयल चलिए आपकी तरफ से यस, तो महीने में सोना सैनी लिखते हैं होना चाहिए, केशव प्रसाद यस सर, मुकुल जायसवाल होना चाहिए, ओके 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 ओके, राधा जी लिखते होना चाहिए, जीतू पावा लिखते होना चाहिए, और अनुराधा सिंह यस सर होना चाहिए। तो साथियों बिल्कुल मैं सहमत हूँ, हम जो है मंथ में 4 बार ये सेशन करेंगे, लेकिन फटाफट से ये लिख दो कि ये जो 7 बजे का टाइम है क्या ये ओके है, अगर ओके है तो ठीक है, 7 बजे शाम को 7 बजे ओके है, क्योंकि दिन में तो सब लोग फील्ड में होते हैं, यस सर होना चाहिए, फटाफट लिख दो शाम को 7 बजे ओके है, ओके 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 प्लीज ओके लिखिए, शाम को 7 बजे का समय ओके है, शाम को 7 बजे ओके है। गुरुदेव गौरीशंकर वत्रा जी दंडवत प्रणाम सर, आपका आदेश, बिल्कुल सर जैसा आप बोलेंगे। सुनीता अग्रवाल लिखती है यस, केशव सिंह टाइम, अगर मेरी आवाज है टाइम 7 बजे ओके जरूर होना चाहिए, आपको सुनकर नाराजगी आ जाती है, प्रवीण कुमार वेरी गुड वेरी गुड। प्रदीप चौहान लिखते हैं यस सर, मुलायम कुशवाहा लिखते हैं यस सर, प्रवीण कलिया चेयरमैन साहब लव यू होना चाहिए यस, टाइमिंग बलबीर सिंह मास्टर जी लिखते हैं ओके हैं 7 बजे ओके हैं, मिस्टी लिखती है सुनीता जी ओके है 7 बजे ओके है, सोना सैनी ओके है, पीके नरवाल ओके है, विक्रम सिंह भाटी नहीं सर 8 बजे, एक व्यक्ति बोल रहा है 8 बजे, बहुमत 7 बजे का है, विजय मजोका लिखते हैं 8 बजे ओके, सत्य प्रकाश गोस्वामी बहुत जरूरी है सर, संजय कुमार ओके सर, जावेद अख्तर ओके सर ठीक है, दिनेश मौर्या ओके सर 7 बजे, विजय मजोका लिखते हैं 8 बजे, गौरीशंकर बत्रा गोविंद पाल ओके है, गौरीशंकर बत्रा 7 बजे ओके कर रहे हैं सब, केशव सिंह प्रसाद ओके है, संजय कुमार ओके है, प्रेम कुमार ओके है, भगवान दास फुटेला जी, गुरुदेव लव यू, नीरज बिसला जी ओके, केशव सिंह ओके ठीक है ओके,
7 बजे डन है, 7 बजे जो है हम इस सेशन को करेंगे, 7 बजे हम लोग इस सेशन को करेंगे। लेकिन अभी 7 बजे तक तो फील्ड में होते हैं, विजय मजोका जी लिखते हैं सर बहुमत, बहुमत देखिए 7 बजे का है, 7 बजे का है, 7 बजे का है, और मंथ में 4 बार होगा। उसके लिए अलग 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 जो है वो टॉपिक हम लोग निर्धारित करेंगे जिसमें आप सबको फायदा मिलेगा। प्रवीण कुमार कलिया जी चेयरमैन 7 बजे ओके लिखते हैं। बंसी गोयल नहीं सर 8 बजे, 8 बजे कम, 8 बजे का बहुमत नहीं है साहब। ओके चलिए, अब मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि आज पहला सेशन था, लगभग 115-16-17 एसोसिएट हमारे इस सेशन को देख रहे थे, लेकिन आपको एक वादा और करना पड़ेगा कि जैसे हम अगला सेशन करेंगे उस सेशन में 300 प्लस एसोसिएट होने चाहिए, 300 प्लस, ताकि मैक्सिमम लोगों के तक ये ट्रेनिंग जाए। 300 प्लस एसोसिएट अगर हमारे होंगे तो हम जो है लगेगा कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। रोशन सैनी सर जी 8 बजे हो सकता है क्या? सर जैसा आप बोलो, लेकिन 7 बजे का जो है वो 7 बजे का है जो वो बहुमत है। राधा जी 8 बजे, 8 बजे, रामपाल 8 बजे, कृष्ण हंडवाल यस सर 7 बजे ओके, चक देंगे फट्टे ओके ओके ओके। तो अगले सेशन में जो पहला सेशन होगा, तो यादव जी लिखते हैं यस सर 300 प्लस वेरी गुड। शम्मी बब्बर यस सर डन। प्रवीण कुमार लिखते हैं तारीख आज ही फिक्स कर दो सर, शेड्यूल होता है ना तो उस हिसाब से देखेंगे। डन है सर 400 प्लस अरे वाह जी लव यू मास्टर जी। जावेद अख्तर गर्मियों में 8 बजे, हाँ गर्मियों में 8 बजे राइट राइट राइट, ये बात ठीक है। पाल जी चेयरमैन साहब अरे शेर पे सवार रखे हैं, चक दो फट्टे क्या बात है गुड। क्रिश्चन खंडवाल जरूर सर। और साथियों आज मैं आपको विजिट करवाता हूँ, ये ड्यू टू IMC ये जो है ये आपका IMCN हाउस है जो मैंने IMC से लिया है। और ये देखिए पूरा आप देखिए, ये किचन है और ये मैडम खाना बना रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये ड्यू टू IMC ये देखिए शानदार जो है 300 के पार वेरी गुड 300 के पार। तो ठीक है डन हुआ, महीने में 4 बार हम लोग ट्रेनिंग सेशन करेंगे और इसका जो समय रहेगा वो 7 बजे का रहेगा। मन कुमार 1000 प्लस अरे वाह क्या बात है, क्या बात है वेरी गुड। तो जिसने भी इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी श्रृंखला हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक मंथ में 4 बार जो है हम ट्रेनिंग सेशन करेंगे जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले। रोशन सैनी और अजय पूनिया जी 100 प्लस क्या बात है, क्या बात है। तो आज मैं विदाई लेना चाहूँगा, लेकिन विदाई लेने से पहले हम लोग एक म्यूजिक, शानदार म्यूजिक आज हम जो है सुनने वाले हैं, IMC का शानदार म्यूजिक हम लोग सुनेंगे। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से इतना सारा प्यार मिलता है, आप ही मेरी खुराक हो, आप ही की वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ, आप ही की वजह से मैं ये सब कर पाता हूँ। तो आपका प्यार और आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ है, नए घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अख्तर जी लिखते हैं धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद। राजपाल वर्मा लिखते हैं 500 प्लस वेरी गुड वेरी गुड। सर जब आप लोग ऐसे लाइव होते हैं और जब इस तरीके के कमेंट आपके आते हैं तो कसम से खुदा की कसम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और मैं आप लोग का आपका ऋणी हूँ कि आपका इतना प्यार मिलता है। उमेश विश्वकर्मा बधाई हो, थैंक यू जी थैंक यू। तो आज का सेशन हम एक बहुत ही शानदार सॉन्ग के साथ आज का सेशन हम लोग संपन्न करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और आज पहला दिन था, काफ़ी दिनों से मैंने भी फेसबुक सेशन किया नहीं था, तो थोड़ा रूटीन कहते हैं ना माहौल, जिस काम को हम लगातार करते हैं उसके मास्टर बन जाते हैं। हो सकता है आज के प्रोग्राम में कुछ त्रुटियां भी रही हो, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इस तरीके से अगर आपका प्यार मिलता रहा तो चक देंगे फट्टे, हर एसोसिएट को हम चेयरमैन बना के छोड़ेंगे। और आज का दिन गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, और हमेशा हमारी अपलाइन हमें हौसला देती रहती है कि जिसने भी नादानी में IMC को ललकारा है जीत कर दिखा दो, बोलो ये लो जवाब हमारा है, ये लो जवाब हमारा है, ये लो जवाब हमारा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो म्यूजिक सुनेंगे और म्यूजिक के साथ आज का प्रोग्राम हम संपन्न करेंगे, और बहुत जल्दी मैं डेट जो है वो अनाउंस करूंगा
और उसमें हम दोबारा मिलेंगे। और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बड़ों से आशीर्वाद, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे गुरु गौरी शंकर, जिसको पूरा भारत पूजता है, आईएमसी एसोसिएट जिनकी बहुत इज्जत करते हैं, एक गौरी शंकर वो थे और एक गौरी शंकर ये हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो आज अभी हम एक गाने के साथ आज के प्रोग्राम को संपन्न करेंगे, तो प्लीज़ डांस हो जाए, डांस के साथ हम आज का प्रोग्राम जो है संपन्न करेंगे। तो जय हो बत्रा जी की, लव यू। तो गाना प्लीज़ गाना बजाया जाए। तो शम्मी बबर बट पाल जी, डांस हो जाए, डांस वीडियो बना लो, मेरे को सेंड कर देना। आईएमसी आईएमसी को जीवन बना लिया है, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरे को आप लोगों की बड़ी याद आ रही है दोस्तों। तो एक गाना है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, और मैं चाहता हूँ कि आज पहला सेशन है और दिन भी अच्छा है, गणतंत्र दिवस है, तो एक गाना जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सुनना, वो गाना हम सुनेंगे, तेरे जैसा यार कहाँ। तो आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ साथियों, और मैं भी बड़े दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ रूबरू हुआ जाए, और इतना सारा प्यार आप लोगों का मिलता है, उसके लिए आपको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट हम सॉन्ग सुनेंगे, और सभी साथी इसको पूरा इंजॉय करेंगे अपने अपने घर में, पूरी फैमिली के साथ, है ना, तेरे जैसा यार कहाँ। तो उसके बाद हम आज का जो सेशन है वो संपन्न करेंगे। केशव जी धन्यवाद सर, छत्तीसगढ़ में जेपी बेनीवाल, वेलकम सर, वेलकम, लव यू लीडर, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, बहुत ही जल्द एक बहुत ही नए ट्रेनिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड आईएमसी, जय हिंद जय भारत, दोबारा से आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।